रिश्तों में ना बेवकूफ़ बने रहना बहुत ज़रूरी है। असल में बेवकूफ़ लोगों के ही रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। अगर दोनों ही पार्टनर बेवकूफ़ हैं तब तो फिर मत पूछे, लेकिन अगर दोनों ही पार्टनर बहुत ज़्यादा समझदार हैं तो रिश्ते डेफिनेटली ख़राब हो रहे हैं। तो कोई एक इंसान अगर बेवकूफ़ हो जाए तो रिश्ते खूबसूरत हो जाएंगे। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, समझाता हूँ कैसे। सबका अपना एक प्राइवेट स्पेस होता है, हर किसी का, चाहे रिश्ते आप कितना भी किसी से प्यार कर रहे हो, कितना भी किसी के साथ जुड़े हुए हो, कितना किसी की ज़िंदगी में घुसे हुए हो, लेकिन एक समय के बाद, एक समय सीमा के बाद, एक समय काल के बाद सबके अपनी एक प्राइवेट लाइफ होती है। अब आप बोलोगे शादी के बाद या रिलेशनशिप के बाद कैसी प्राइवेट लाइफ, कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती। आपकी भी अपनी एक प्राइवेट लाइफ है, आपको एक लगता है कि आपकी नहीं है, और नहीं है तो हो जाएगी कुछ समय बाद। अब प्राइवेट लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और से दोस्ती या कुछ और, या नहीं, यहाँ पे धोखे की बात हो ही नहीं रही। लेकिन एक प्राइवेट स्पेस होता है जिसमें आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, उनके कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं, उनके साथ कोई गुफ्तगू, कोई खुसर हो सकती है, आपकी कोई फ्रेंड है जिसके लाइफ में कुछ चल रहा है उसके बारे में कुछ सीक्रेट चीज़ें हो सकती है, तो जो आप अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं करना चाहोगे, है ना। वैसे ही आपके पार्टनर की भी लाइफ में बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं बताई जा सकती या नहीं बतानी चाहिए। वो फाइनेंशियल हो सकता है, वो फिजिकल हो सकता है, वो सोशल हो सकता है, वो स्पिरिचुअल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, जो वो अभी आपसे शेयर नहीं करना चाहते। इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि आप योग्य नहीं हैं उसके। सबसे प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई इंसान आपसे कुछ छुपा रहा है तो सीधे सीधे हम उसे अपनी वैल्यू पे, अपनी योग्यता पे, अपनी लॉयल्टी पे उस प्रश्न को लेकर आ जाते हैं कि मैं तो तुम्हें सब कुछ दिखा रही हूँ, सब कुछ बता रही हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया, तुम मुझसे क्यों छुपा रहे हो, ये सब क्यों हो रहा है मेरे सामने, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से शुरू होता है प्रॉब्लम। अरे कोई इंसान आपसे कुछ छुपाना चाह रहा है, कुछ हटाना चाह रहा है, कुछ साइड रखना चाह रहा है, तो आप इग्नोर करिए उसे, बेवकूफ़ बन जाइए, नहीं मुझे जानना ही नहीं, मुझसे प्यार करता है काफ़ी, मुझसे प्यार करती है काफ़ी। अब आपके दिमाग में ये आएगा, अगर वो आपको चीट कर रहा है तो, अगर वो चीट कर भी रहा है तो बिगाड़ क्या लोगे, उखाड़ क्या लोगे, मन से तो वैसे भी वो आपसे दूर हो गया है। हो सकता है आपके इस आज़ादी देने से, आपके इस स्वतंत्रता को देने से वो वापस आपके पास खींचा चला है। जो जाने वाला जा चुका है, अगर वो चीट कर रहा है, आपको आप मानते हो चीट कर रहा है तो। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाओ उसे छोड़ ही दो, नहीं, आपको बस इग्नोर करके चलना है, आपको सिर्फ भरोसा दिखाना है, क्योंकि हर रिश्ते की बुनियाद भरोसे से होती है। और ये बात सभी डायलॉग मारते, हर रिश्ते की बुनियाद भरोसे से होती है। तो तुम अपना भरोसा बनाए रखना मुझ पे, तुम ऐसे काम करना कि मुझे भरोसा रहे तुम पे। यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं, नहीं, भरोसा करने की चीज़ होती है, दिलाने की चीज़ नहीं होती। दोनों ही पार्टनर की तरफ से बोल रहा हूँ मैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, कि तुम भरोसा, तुम ऐसा काम करो कि मुझे तुम पर भरोसा रहे और तुम मुझ पर भरोसा रखो। दोनों यही सोचते हैं ना कि तुम ऐसा काम करो कि मुझे तुम पर भरोसा रहे और तुम मुझ पर अपना भरोसा बनाए रखो, क्योंकि मैं वैसा कुछ करती ही नहीं, आपको भरोसा करना पड़ेगा मुझ पर, मैं वैसा कुछ करता ही नहीं, आपको भरोसा रखना पड़ेगा मुझ पर, लेकिन मैं आप पे भरोसा नहीं करूँगी क्योंकि आपने पहले ऐसा 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 किया है, या आप लड़कों की आदत ही कुछ ऐसी 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 होती है। तो 100 बात की एक बात, बेवकूफ़ बन जाइए, रिश्ते खूबसूरत होने शुरू हो जाएंगे। अगर रिश्ते ख़राब भी होते हैं तो आपके समझदार होने से वो ज़्यादा जल्दी ख़राब होंगे, क्योंकि ख़राब उसी कंडीशन में होंगे जब कोई इंसान आपको लिटरली चीट कर रहा है। और एक बात हमेशा याद रखना कि प्राणी जगत में समस्त प्राणी का सबसे प्रिय भाव जो होता है वो होता है स्वतंत्रता, आज़ादी, तन से भी और मन से भी। तो किसी को बांधिए मत, बांधने से कोई आपके पास नहीं रहने वाला, कोई नहीं रहने वाला, ठीक है। मिलते हैं अगले अध्यायों।